उधर ममता बनर्जी ने दिल्ली में घुसने का ऐलान किया, इधर बीजेपी ने केजरीवाल को ठिकाने लगा दिया। 3 साल बाद मोदी ने उठाया बड़ा कदम, कौन है बांसुरी स्वराज जिन्हें मोदी ने सौंप दी दिल्ली की कमान। अटल और मोदी के साथ सुषमा की जोड़ी हिट रही, योगी बने प्रधानमंत्री तो बांसुरी के साथ बनेगी टीम भी। बंगाल से जब ममता बनर्जी मोदी को घेरने के लिए दिल्ली आने का प्लान तैयार कर रही थी, इधर दिल्ली में शाह की एक टीम बहुत बड़ा प्लान कर चुकी थी। ममता बनर्जी पिछले 2 दिन से बंगाल की सड़कों पर घूम रही थी, मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का धरना जैसे ही खत्म हुआ, रामनवमी के मौके पर बंगाल में कई जगह पर हिंसा हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि सीधे अमित शाह ने एक्शन लेते हुए बंगाल के राज्यपाल से बात की है और रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही पूरा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आरोप है कि हिंसा फैलाने वाले लोगों में टीएमसी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। ऐसा पहली बार नहीं है जब बंगाल में कुछ ऐसा हुआ है। इससे पहले भी दुर्गा पूजा हो या फिर दिवाली या फिर होली, ऐसे त्योहारों पर ऐसी घटनाएं होती रही है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पीएम मोदी के कट्टर राजनीतिक दुश्मन माने जाते हैं। ममता बनर्जी ने दिल्ली आने का ऐलान किया था, सूत्र बताते हैं कि इसके लिए केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच फोन पर बात भी हुई थी। लेकिन इसी दौरान बीजेपी के एक फैसले ने अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों की नींद उड़ा दी है। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक दबदबा है, उसे खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने सुषमा स्वराज की फाइव ब्रांड वकील से नेता बनी बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतार दिया है। बांसुरी के तेवर माँ सुषमा से भी ज्यादा तल्ख है। दिल्ली की कमान सौंपी गई है, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बनेगी और इसका असर बंगाल तक होगा। बांसुरी स्वराज 16 साल से कानूनी पेशे में और क्रिमिनल लॉयर है। लंदन से कानून की पढ़ाई की है और बैरिस्टर की पदवी है। अब तक कई बड़े विवादित मुकदमे लड़ चुकी हैं और हाई प्रोफाइल लोगों की तरफ से मुकदमा भी लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी को प्रदेश बीजेपी में लीगल सेल का सह संयोजक नियुक्त किया है। बांसुरी स्वराज पहले से बीजेपी में जुड़ी रही है, लेकिन संगठन में पहली बार उन्हें नियुक्ति दी गई है। 3 साल पहले सुषमा स्वराज की शोक सभा के दौरान ही पीएम मोदी ने कहा था कि बांसुरी में उनकी मां सुषमा स्वराज की छवि दिखती है। उसी दिन कहा जाने लगा था कि बांसुरी अब राजनीति में जरूर आएंगी। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी अब बांसुरी स्वराज का कद बढ़ाएगी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में खुला उतारेगी। इसके साथ ही आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री की दावेदार भी बनाया जा सकता है। आने वाले वक्त में मोदी जल्द ही राजनीति से संन्यास लेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। जिस तरह से अटल और मोदी को सुषमा स्वराज और उमा भारती जैसे फायर ब्रांड महिला नेताओं का साथ मिला, उसी तरह से योगी युग में बांसुरी स्वराज, स्मृति ईरानी और नवनीत राणा जैसी महिला ब्रिगेड होंगी जो मोर्चा संभालेंगी। हो सकता है कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा हो या फिर इसे हल्के में ले सकते हैं, लेकिन सच यही है कि बांसुरी स्वराज के आने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। शायद यही वजह है कि विपक्ष में खलबली अभी से मच गई है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर जिस तरह से बवाल हुआ है, पूरे मामले को खुद अमित शाह देख रहे हैं। ममता बनर्जी 2 दिन से धरना दे रही थी और दिल्ली आने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली आने से पहले अपने राज्य के हालातों पर नजर रखती तो शायद ऐसे हालात इस वक्त नहीं होते। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर राजनीतिक फायदे के लिए कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हिंदुओं के पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को कैसी सजा मिलनी चाहिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।